कोरोना काल में पुलिस की मनमानी भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। दरअसल मामला यूपी के बलिया का है। यहां गंगापुर गांव का रहने वाला एक व्यक्ति अपनी कोरोना संक्रमित पत्नी के लिए दवा ले रहा था। इसी दौरान मेडिकल दुकान के बाहर खड़ी उसकी गाड़ी का चालान काट दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने युवक की स्कॉर्पियो का 2500 रुपए का ई चालान काटा। जब मैसेज आया तब युवक को चालान कटने की जानकारी हुई। पीड़ित चंदन सिंह ने कहा, उसकी स्कॉर्पियो का चालान काट दिया गया, 2500 का चालान भरूं या अस्पताल में भर्ती पत्नी का इलाज करवाऊं। चंदन कुमार सिंह है, मनियर ग्राम गंगापुर का निवासी हूँ। मेरे पत्नी का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया था जी, जो कि बहुत सीरियस थी। उनका दवा लेने के लिए मैं भारत मेडिकल पर गया था। मेरी गाड़ी साइड में खड़ी थी और पता नहीं कब आ करके उसका चालान कट गया। और फिर आज मैं मैसेज में देखा कि चालान में 2500 रुपया कटा है। अब सरकार ये बताए कि मैं 2500 रुपया चालान भरूँ कि अपनी बीवी का दवा कराऊँ, और सरकार यही बोल रही है कि दवा कराने के लिए गाड़ी घोड़ा सब कुछ छूट है। तो ये पुलिस अपनी मनमानी कर रही है और मुझे पता भी नहीं चला और मेरा चालान भी कटा।